हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रियलमी C33। हमारे पास दोस्तों फोन है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों इसमें FRP लगी है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे, अगर आपके पास रियलमी C33 फोन है और उसमें आपसे हार्ड डिसाइड हो जाता है और उसमें गोल्ड अकाउंट मांगता है, तो उसकी FRP आप किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं, तो देखते हैं वीडियो शुरू से एंड लास्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपना फोन जो है वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है। मैंने अपना फोन जैसे ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करा दोस्तों, पैटर्न था दोस्तों गोल्ड अकाउंट मांगता है, इससे आगे हमारे दोस्तों नहीं जाने का। और इसमें बता दूँ, इसमें जो वर्जन है वो एंड्रॉइड 12 वर्जन है दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के साथ फोन है। और इसमें जो एंड्रॉइड 11 वाला जो मेथड था वो दोस्तों इसमें काम नहीं करेगा दोस्तों, बिल्कुल आपको नया मेथड हम इसमें बताएंगे कि एंड्रॉइड 12 में कौन सा मेथड दोस्तों काम करेगा। सबसे पहले मैं इसे डोंट कॉपी कर लेता हूँ। ये दोस्तों पैटर्न और दोस्तों गोल अकाउंट से आगे हमारा फोन दोस्तों नहीं जानेगा। पैटर्न दोस्तों, फिर नीचे गोल अकाउंट, ये चेकिंग इन्फो रहा, दिस डिवाइस वाट सेट टू कंटिन्यू दोस्तों, इससे आगे हमारा फोन नहीं जानेगा। तो सबसे पहले इसका मैं मॉडल नंबर दिखाता हूँ पीछे से, इसका मॉडल नंबर दोस्तों ये है। और सबसे पहले अपना फोन बैक कर लेना, तो मैं बैक कर लेता हूँ फोन। बैक करने के बाद जो माइक का तरीका था यानी एंड्रॉइड 11 वर्जन में, वो भी इसमें काम नहीं करेगा, यानी नो परमिशन टू इनेबल आएगा, इसमें आ जाएगा नो परमिशन टू इनेबल। और इसमें एक तरीका होता है इमरजेंसी कॉल वाला, इस तरीके से दोस्तों ये भी काम नहीं करेगा इसमें, इससे आगे हमारा फोन दोस्तों नहीं जानेगा। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों वाईफाई नेटवर्क पर आना है आपको। तो मैं वाईफाई नेटवर्क पर आ जाता हूँ, आने के बाद दोस्तों यहाँ वाईफाई के आगे सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है सेटिंग पे। तो मैं देखता हूँ दोस्तों एंड्रॉइड 12 वर्जन में मिलेगी सेटिंग, तो आपको इस पर आना है। आने के बाद यहाँ दोस्तों शेयर का ऑप्शन है, तो शेयर पर आना आपको, मैं शेयर से जाता हूँ। शेयर में जैसे जाने तो बार कोड का ऑप्शन आएगा और नीचे नियर वी का ऑप्शन लिखा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर टर्न ऑन यानी ब्लूटूथ टर्न ऑन करने पड़ेगा, तो आपको ब्लूटूथ ऑन कर देनी है। फिर नीड हेल्प ऑप्शन आएगा नीचे, तो उस पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद तो ऊपर यहाँ 3 डॉट आएंगे, फिर शेयर आर्टिकल का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको मैसेज पर जाना है। मैसेज पर जाने के बाद दोस्तों न्यू मैसेज पर क्लिक करना है, या और यहाँ क्लिक करने वाले एक नंबर 112 आपको इस पर मैसेज करना है। मैसेज जाने के लिए दोस्तों आपको बस डायल करना है ऊपर, और यहाँ लिखना है आपको www.youtube.com आपको टाइप करना है। तो मैं कर लेता हूँ www.youtube.com, मैं लिखा और लिखने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएंगे, फिर आपको रिफ्रेश कर देना है। जब तक आपका YouTube का लोगो नहीं आएगा तब तक आपको ट्रेनिंग करना है, रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश नहीं कर दिया, YouTube का लोगो आ गया, तो YouTube का लोगो आने के बाद तो आपको YouTube पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा फोन का जो YouTube होता है वो खुल जाएगा, फिर आपको सेटिंग पे जाना है। तो मैं सेटिंग पे जाता हूँ, सेटिंग पे जाने के बाद तो हिस्ट्री एंड ड्राइव पे जाना, फिर YouTube टर्म ऑफ सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे फोन का क्रोम ब्राउज़र होता है, तो हमारे फोन का ओपन हो जाएगा क्रोम ब्राउज़र। जैसे ओपन हुआ तो आपको न्यू पेज में जाना है, न्यू पेज में जाने के बाद तो एक साइट है जिसका नाम है bksmartphone.com। तो ये साइट दोस्तों आपको मैं डालनी है, आपने bksmartphone.com में डाला और सर्च कर दिया bksmartphone, और सबसे ऊपर वाली साइट आएगी bksmartphone.com। तो इस वाली साइट पे आपको क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। और मैं क्लिक करने वाला दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने वाला दोस्तों 10वें नंबर पे एक ऑप्शन है आपको ओपन सेटिंग का, तो मैं यहाँ चले जाता हूँ। ओपन सेटिंग का आपको जाना है, और यहाँ ओपन सेटिंग में जाने वाला दोस्तों आपको मैं इसका सबसे पहले मॉडल नंबर दिखाता हूँ, रियलमी C33 एंड्रॉइड वर्जन 12 दोस्तों। और आपको अब जाना है ऐप्स में, तो ऐप्स में जाना है, ऐप्स में सीआल ऐप्स में जाना है आपको। और यहाँ जाने वाला दोस्तों ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ शो सिस्टम पर क्लिक कर देना। और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एंड्रॉइड सबसे पहले एप्लीकेशन आएगी एंड्रॉइड ऑटो, तो ये एंड्रॉइड ऑटो जो एप्लीकेशन आएगी इसे डिसेबल और फुल स्टॉप कर देना है कुछ टाइम के लिए। तो मैंने कर दिया, फिर एंड्रॉइड सेटअप को भी दोस्तों फुल स्टॉप कर देना है। जैसे ही एंड्रॉइड सेटअप को फुल स्टॉप कर देंगे सबसे नीचे आपको आना है, तो नीचे मैं जाता हूँ, फिर मिलेगा आपको गूगल प्ले सर्विस। तो इस एप्लीकेशन को आपको कुछ टाइम के लिए डिसेबल और फुल स्टॉप इस एप्लीकेशन को भी कर देना है, तीन एप्लीकेशन हमें फुल स्टॉप और डिसेबल करनी है। तो मैं कर लेता हूँ, गूगल प्ले सर्विस मैंने डिसेबल और फुल स्टॉप करना है, जैसे हमने कहा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, तो अपना फोन बिल्कुल आपको बैक कर लेना है। तो मैंने अपना फोन दोस्तों बैक कर लिया पूरा, और जैसे हम बैक करना है तो बिल्कुल आपको बैक करना है, तो मैं बैक कर लेता हूँ। तो बैक कर लेना है, तो मैं बैक कर लेता हूँ अपना फोन। बैक करने वाला दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है, जैसे नेक्स्ट करना दोस्तों वाईफाई से फिर चेक इन फॉर अपडेट होता रहेगा, यानी कि इस साल हमारा फोन नहीं जाएगा, यानी चेक इन फॉर अपडेट जस्ट फ्यू मोमेंट। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे होता रहेगा। तो आपको बैक कर लेना है, एक बार फोन अपना बैक करना है, तो मैं बैक कर लेता हूँ। और जैसे हम बैक करेंगे दोस्तों, मैं पहले बैक कर लेता हूँ दोस्तों, हो जाए जस्ट 5 मिनट ऐसे आता रहेगा। तो आपको बैक करने वाला दोस्तों आपको वाईफाई जो है उसको फॉरगेट करके यानी कि डिसकनेक्ट करके दोबारा फिर से कनेक्ट करना है। तो मैंने कर लिया, मैं कर लेता हूँ दोस्तों, अभी मैंने फॉरगेट करा है। जैसे ही हम आगे बढ़ाते बढ़ने जा, और फिर मैंने इसे कनेक्ट कर लेता हूँ पासवर्ड डाल के अपना वाईफाई का। और जैसे ही पासवर्ड डाला हमारा जो फोन है वो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद दोस्तों फिर आपको नेक्स्ट करना। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों हमारा जो टोन कॉपी का ऑप्शन आएगा और चेकिंग फॉर अपडेट से आगे दोस्तों हमारा जो फोन है वो बिल्कुल चले जाएगा। यहाँ के बाद ओके करने का ऑप्शन, तो ओके कर देना है।
तो दोस्तों पहले कहते हैं गूगल अकाउंट दोस्तों पैटर्न मांग रहा था, वो अब नहीं मांग रहा दोस्तों। जो हमारा फोन का सेटअप था वो बिल्कुल फाइनली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आपको भी अपने फोन में रियलमी सी जाती हिसाब से अपना फोन आठ रिसेट हो जाता है, तो आपको इसी तरीके से उसकी एफ आर पी आप बिल्कुल इसी तरीके से आप बाईपास कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब दोस्तों जो हमने एप्लीकेशन तीन हमने डिसेबल करी थी उन्हें अब ऐप्स में जाके इनेबल कर देना है, जो गूगल प्ले सर्विस और एंड्रॉइड ऑटो जो हमने डिसेबल करी थी उसे भी इनेबल कर देना है और गूगल प्ले सर्विस को भी। बस मैंने कर दिया दोस्तों, आपको भी अपना फोन इसी तरीके से करना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो देखना आपका दिन।